please give an energetic and warm welcome to the one and only Mr. Pankaj Kumar Srivastava. So good morning to all of you. क्या हो रहा है? कुछ रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है. अच्छा, आज मैं सरकार से एक बात तो जरूर पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार तिनसुखिया के लोगों को हंसने, मुस्कुराने और एक्साइटमेंट होने के लिए भी टैक्स देना पड़ता है? अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप में वो एक्साइटमेंट एंड वो जुनून क्यों नहीं आ रहा है? सो एक बार एक शानदार गुड मॉर्निंग, ऐसा गुड मॉर्निंग जो फर्स्ट एंड लास्ट हो आपका, और आज के बाद से आप डंप हो जा रहे हो. आज के बाद से आपको एहसास नहीं होगा कि ऐसा भी गुड मॉर्निंग होगा. 60,000 वाला गुड मॉर्निंग मेरे को चाहिए. सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. या नाइस, थैंक यू. अब लग रहा है कि आप 3,000 4,000 नहीं, बिल्कुल 60,000 की स्प्रीट एंड जुनून आपके अंदर आ गया है. सो दोस्तों, मैं पंकज कुमार श्रीवास्तव, आपका कोच, आपका फ्रेंड, आपका मोटिवेशनल गाइड, आपको यह बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि आज हम अपने ग्रैंड शो स्मार्ट शो 2003 में अपना सब्जेक्ट आई एम विनर, दैट मीन्स सक्सेस इज इन आवर हैंड, हाउ विल यू कैच द सक्सेस, उस पर फोकस करने जा रहे हैं. दोस्तों, बिफोर टेलिंग एनीथिंग, बिफोर एक्सप्रेसिंग माई आइडियाज थॉट्स, आई वुड लाइक टू शेयर सम एक्सपीरियंस विथ यू, योर एक्सपीरियंस, माई एक्सपीरियंस. आई एम नॉट गोइंग टू टेल द सम स्ट्रेंज वर्ड. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैं विचित्र बात बोलने जा रहा हूं, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने जा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं आज के सेशन में बस वही बात बोलने जा रहा हूं जो आपके लाइफ के साथ इंटरेक्ट होता रहता है. देखते हैं कि वो कौन सी बात है जो आपके आपसे को रिलेट करता रहता है. एक बात, मैं जब बाहर टहल रहा था तो दो चार बंदे ऐसे बात कर रहे थे कि यार ये मोटिवेशनल होता क्या है, वाई मोटिवेशनल, आखिर मोटिवेशन की जरूरत क्या है, घर पे रहो, आराम से रहो, एंजॉय करो, यहां आने की जरूरत क्या है, व्हाट इज नीड टू कम हियर. मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा, ये इसको पता भी नहीं है मोटिवेशनल क्या है. फैक्ट है कि व्हाट इज मोटिवेशनल, आखिर ये मोटिवेशनल है क्या, व्हाट इज अ मोटिवेशनल. सो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह एहसास होना चाहिए कि मोटिवेशन की जरूरत किसे है, किन्हें है, कौन से लोग बोलते हैं कि मोटिवेशनल इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ, और किस कैटेगरी के लोग बोलते हैं मोटिवेशनल इज अ कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ द टाइम. आपको यह जानकर काफी आश्चर्य होगा कि आज इस समारोह में आप अपने लाइफ का सबसे कीमती चीज यहां डाल रहे हो. दिस इज अ कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर प्रीसियस टाइम. दुनिया का सबसे कीमती चीज जो आपके साथ है वो है टाइम और मनी, और दोनों आप यहां इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो. मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज के समारोह में जो भी बंदा आया हुआ है, जो भी इंसान है, अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लॉयलिटी के रूप में लेता जाएगा. एवरीवन विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ इट, इस बात का मैं एश्योर कर रहा हूं. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं ये बोल रहा था आपको कि वाई मोटिवेशनल इज इंपॉर्टेंट, तो मैंने दो तरह के लोगों को देखा. कुछ लोग ऐसे मिले मेरे को जिन्होंने ये कहा मोटिवेशनल इज द कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ द मनी. वो कौन लोग थे जिन्होंने ये कहा कि मोटिवेशनल इज द कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ द मनी? सो फ्रेंड्स, आपको कैरी ऑन कर रहे हैं हम उस बात को बताने के लिए कि क्यों कुछ लोग कंप्लीटली इसके निगेटिव में चले जाते हैं और क्यों कुछ लोग इसके कंप्लीटली पॉजिटिव में चले जाते हैं. सो लेट मी टेल. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू मेंशन दैट व्हाट काइंड ऑफ द पीपल आर कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ इट. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोटिवेशन में आते हैं, फिजिकली आते हैं, मेंटली नहीं आते हैं. कुछ काम किया उन्होंने और कुछ काम छूट गया, बट उनको याद पड़ा, रे आज मोटिवेशनल क्लास है, मेरे को जाना है उस सेमिनार में, और बहुत तेजी में हड़बड़ सड़बड़ में आकर बैठ जाते हैं. दोस्तों, वो फिजिकली यहां होते हैं बट मेंटली उस काम पे होते हैं जिन्होंने उस काम को छोड़ के आया है. ऐसे लोग सब्जेक्ट पे फोकस नहीं हो पाते, और जब आप सब्जेक्ट पे फोकस नहीं हो पाओगे तो माफ करना, आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे. आज के इस मोटिवेशनल सेमिनार में आपको सीखना है. अगर इस कैटेगरी के लोग हो तो प्लीज
आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज फिजिकली एंड मेंटली आप इस सेमिनार में रहो. नाउ सेकेंड कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो सेमिनार का नाम सुनते ही अपना डायरी कॉपी पेन ये सब तैयार कर लेते हैं कि आज मेरे को बहुत कुछ सीखने का है. वेरी गुड. और वो सीखने के पर्पस जो भी हो डायरी वरी मेंटेन करके आगे बैठ जाते हैं रो में और जब स्पीकर बोलता है तो सारी चीजें मेंटेन करते हैं. यस गुड पॉइंट. हाँ वेरी गुड. और जानते हो क्या होता है उसके बाद? उसके बाद का कहानी ये सारे पॉइंट्स कॉपी पर नोट करने के बाद वो कपबोर्ड में ले जाकर रख देते हैं एंड फॉरएवर रख देते हैं. दोबारा मोड़ कर देखते नहीं कि सेमिनार का जो टिप्स मेरे को मिला था वो कितना ऑथेंटिक था कितना स्ट्रांग था मेरे को कितना एनर्जी देगा. ऐसा कुछ भी नहीं था. कपबोर्ड में ले जाके वो रख देते हैं सारे टिप्स. तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो सेमिनार में आते हैं तो बोलते हैं क्या सब्जेक्ट है आज का? अच्छा आई एम विनर. अरे ये तो मेरे को पहले से पता है. आई नो इट. इसकी मुझे क्या जरूरत है? जब जब आप बोलते हो आई नो इट लर्निंग प्रोसेस गायब हो जाता है. लर्निंग प्रोसेस गायब हो जाता है. आप जब सीखने के पर्पस से आते हो तो ये फीलिंग नहीं होना चाहिए आई नो इट. कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं जो बोलते हैं अच्छा वो कौन स्पीकर है? मिस्टर झा. अरे यार मिस्टर झा बोलेगा मेरे सामने? वो क्या मेरा बाल यूं ही उसे नहीं हुए हैं. काफी एक्सपीरियंस है मेरे को पता है ये क्या वो बोलता है. द पीपल जो लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के उनके बारे में बता रहा हूं कि क्यों लोग सेमिनार से ज्यादा एडवांटेज नहीं ले पाते. कुछ लोगों में क्या होती है कि वो कुछ अपर स्टेज में आ जाते हैं तो उनको लगता है कि या उनकी कंपनी अपर स्टेज में आ गई या उनका बिजनेस अगर जा रहा है तो उनको लगता है अब मेरे को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है. नो नीड टू टेक द क्लास ऑफ मोटिवेशन. बात उस समय की है कि एक राजा था और एक राजा जो है अपने ही राज्य में एक आदमी के बारे में बड़ा अच्छी अच्छी बातें सुन रखा था. सुना था कि वो एक संत है जो प्रतिदिन 4 घंटा 5 घंटा लोगों के बीच अपना उपदेश देता है. तो राजा के मन में भी ख्याल आया कि मैं भी चलूं और चल के देखूं कि वो कौन सा उपदेश है जिसे सुनने के लिए लोग कोशों दूर जाते हैं. राजा आया देखा एक संत ऊपर बैठा हुआ है. बाकी जो लिसनर्स हैं बाकी जो फॉलोअर्स हैं वो नीचे ग्राउंड पे बैठे हुए हैं. ये तो राजा था ग्राउंड पे बैठ नहीं सकता था. ही वेटेड फॉर फ्यू मिनट्स कि मेरे को कुछ जगह देगा. ऑफ कोर्स कोई जगह नहीं मिल पाया. राजा 4 घंटे वहां सुना और फिर लौट के आया और मंत्री से बोला मंत्री मेरे को एक बात समझाओ. तुम इस संत के बारे में बड़ा ही सकारात्मक बात बोलते रहते हो. मैं 4 घंटा उस प्रोग्राम में गया था 4 घंटा सारी बातें सुना लेकिन मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ. तो मंत्री ने बोला कि महाराज आप मेरे को यह बताओ कि आप वहां श्रोता बन के सुनने और सीखने के लिए गए थे या राजा बन के गए थे? अरे मैं राजा हूं मैं कहीं भी रहूंगा तो राजा ही रहूंगा. तो बोला माफ करना जब आप राजा बन के उसके पास जाओगे उस संत के पास तो कुछ भी सीख नहीं पाओगे क्योंकि सीखने के लिए आपको एक बच्चा बनना पड़ेगा. आर यू एग्री विद मी और नॉट? सो क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? सो क्या आप एक बच्चा बनने के लिए तैयार हो? दैट्स राइट. लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड. जो लर्निंग का सिस्टम है वो चालू होता है बचपन से. बचपन से आपको सिखाए जा रहे हैं हर चीज. आज का सब्जेक्ट भी बचपन से सीखते आ रहे हो. बचपन से सीखते आ रहे हो आज का सब्जेक्ट. आपको कि सर आज का सब्जेक्ट तो मुझे आज पता चल रहा है. आई हैव टू बिकम द विनर एंड सक्सेस. जब मैं उस स्टेज पे आया जहां मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को कुछ करना है तब. फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि सेमिनार इज द कंप्लीटली टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ. जिंदगी को बदलने वाला सेमिनार होता है. Why some people are telling that seminar is completely wastage of the time and the second sectors ke log jo hain wo bolte hain turning point of the life. Yes, main is baat ko assure karta hu ki seminar turning point of the life hai. Aaj ka jo session hai aap mein se kaiyon ko badal sakta hai. Aaj ka jo session hai kaiyon ke mind mein impact banayega shayad raat ka neend uda de. वो कौन से लोग हैं जिन पे ये प्रभाव पड़ता है? द पीपल
who attends the program with the purpose. एक पर्पस होना चाहिए. अब वो पर्पस क्या होना चाहिए? स्वयं को बदलने का पर्पस होना चाहिए. स्वयं को जिस स्टेज में है उस स्टेज से अगले स्टेज पर जाने का पर्पस होना चाहिए. चाहे आप जिस स्टेज में हो, अगर आप थर्ड क्लास में तो फोर्थ क्लास, 10 में हो तो 10+2 में, अगर आपका बिजनेस 100 करोड़ का चल रहा है तो 200 करोड़ में जाए, अगर आपका थिंकिंग का लेवल अगर डाउन है तो अपवर्ड में जाए, आप कंप्यूटर में अगर माइक्रोसॉफ्ट का अगर एक पैकेज सीख रहे हो तो दूसरे पैकेज में एंट्री करो. दैट मीन्स एवरी सेक्टर्स में आपका ग्रोथ होना चाहिए. अगर इस पर्पस से आप एंट्री कर रहे हो कि आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू गो द नेक्स्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ, देन आई थिंक दैट आप सीख के जाओगे. दोस्तों, सीखने की बात आ रही है तो मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं जितना सारे पॉइंट्स को बताने जा रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो एंड अपने लाइफ में यूज करो. बिकॉज व्हेन यू कम हियर एज अ ओनली लिसनर नॉट लर्नर, तो माफ करना वही बात हो गया कि जब सिंगर गीत गाता है तो बड़ा मजा आता है. जैसे ही गीत गाना शुरू करता है सारे लोग झूमना शुरू कर देते हैं, वाह 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 वाह. प्रीचर जब अपने प्रीचिंग करता है तो सुनने वाले ताली मारते हैं, वाह. राम एंड सीता की कहानी जब शुरू होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, सीता का कैरेक्टर डिफाइन करते हैं स्पीकर, बड़ा अच्छा लगता है. लेकिन माफ करना, जब घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं कि मेरी पत्नी भी सीता का रूप है, दे फॉरगेट. एंड फिर वहां पे एक निगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव कंसेप्ट चालू होता है घर जाते ही जाते. वैसे प्रीचर से कोई फायदा नहीं. बुक्स आर वैल्यूलेस इन एब्सेंस ऑफ द रीडर. इन द सेम वे ये जो डॉगमास जा रहे हैं, ये प्रीचिंग जा रहे हैं, ये थॉट्स जा रहे हैं, दीज आर द वैल्यूलेस इन एब्सेंस ऑफ द फॉलोअर. मैं जो भी बात बताने चाह रहा हूं इसमें से कुछ लोग जो है ग्रैप करेंगे, नॉलेज रखेंगे, घर जाएंगे, दिमाग में रखेंगे और अपने मम्मी पापा को बताएंगे, अपने बगल वाले को बताएंगे कि बड़ा अच्छा स्पीकर आया था, अच्छी अच्छी बातें बोल रहा था. मुझे ऐसा लिसनर्स नहीं चाहिए जो बाहर जाके ये बोले कि उनका स्पीच बहुत तगड़ा था, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे. मुझे वैसा आदमी चाहिए जो मेरे टिप्स में से दो टिप्स रिसीव करे और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करे. मुझे वैसा लिसनर्स चाहिए, मुझे वैसा ऑडियंस चाहिए. आर यू द पार्ट ऑफ दीज ऑडियंस? क्या आप इस ऑडियंस में से इस तरह का प्रॉमिस करने के लिए तैयार हो कि आज जो सेमिनार हो रहा है उसमें से दो या तीन टिप्स आप सीख के जा रहे हो? प्लीज रेज योर हैंड. आर यू रेडी? ओके, देन आई वुड लाइक टू कैरी ऑन द माय पॉइंट्स. थैंक यू फ्रेंड्स. सवाल है, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं. स्टार्ट से पहले मैं एक छोटा सा आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, क्योंकि कई लोग इसमें गॉसिप कर रहे हैं, कई लोग कंसेंट्रेट नहीं बना पा रहे हैं. तो व्हाई दे आर नॉट मेकिंग द कंसेंट्रेशन स्पेशली विद दैट? चलिए देखते हैं क्या बात है, क्या बात है कि मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ लोगों तक जा रही है, कुछ लोगों तक इंपैक्ट बना रहा है, कुछ लोगों तक नहीं. आइए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग विद यू. बिल्कुल प्रैक्टिकल कुछ दिखाना चाहते हैं. यू सी द प्रैक्टिकल, व्हाट इज हैपनिंग विद यू. आप देखो कि प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, एंड ट्राई टू जस्ट ऑब्जर्व. मैं एक भी वर्ड बोलने वाला नहीं हूं, मैं वर्ड बोलने नहीं जा रहा हूं, जस्ट आपको रीड करना है कि आखिर हो क्या रहा है. फिर आप एनालाइज करो और फिर आप थिंकिंग में डालो उसे कि रिजल्ट क्या हो रहा है. आर यू लुकिंग टू थिंग्स? इज इट क्लियर ना? ये जाएगा क्या? मेरा आइडियाज बहुत तगड़ा है, मेरा आइडियाज बहुत तगड़ा है. रिसीविंग जो आपका पावर है बहुत कमजोर है. ये जाएगा क्या? जाएगा अंदर? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है. तो मेरे को एक आइडिया समझ में आया, मेरे को एक आइडिया समझ में आया कि सर मैं बड़ी बड़ी बातें जो कर रहा हूं ये छोटी छोटी बातें होनी चाहिए. अगर मैं छोटी छोटी बातें करूंगा तो इसके अंदर आराम से जाएगा, सही है ना? So, ये बड़ी बातें को मैं हटाता हूं, छोटी बातें को लेके आता हूं. अब जाएगा ना? रेडी ना? ओके, ट्राई करते हैं फिर से.
यार छोटी बात भी नहीं जा रहा है, चलो और छोटी बातें करते हैं, मस्ती वाली बात, ये भी नहीं जा रहा है, बड़ी बात भी नहीं जा रहा है, छोटी बात भी नहीं जा रहा है, यार आपके दिमाग के अंदर जाएगा कौन? जब तक ये बैरियर लगा हुआ है तब तक कुछ भी जाने वाला नहीं है। प्लीज ओपन योर बैरियर टू रिसीव माई वर्ड्स। आप जब तक अपने दिमाग के बैरियर को खोलोगे नहीं तब तक मेरा कोई भी बात एंट्री करने नहीं जा रहा है। सो इट इज इंडिस्पेंसिबल। सब्जेक्ट है आज का आई एम विनर। सो सवाल उठता है कि आई एम विनर इन व्हाट सेंस, इन व्हाट पार्ट, किस हिस्से में? आई एम विनर इन द एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, whether it is related with the relation also. If you want to try to win the heart of the any guy, need the process to learn how to become the winner. मैं किसी के दिल को अगर जीतने जा रहा हूं तो मुझे जरूरत है उस चीज की कि उस सिस्टम को जाने, उस प्रोसेस को जाने, तभी मैं उसके दिल का विनर बनूंगा। नीड, अगर गेम में आप विनर होना चाहते हो तो सारे सिस्टम्स पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके गेम के विनर बनोगे। लाइफ में हर पार्ट में आपको विनर बनना है, और आज हमारा सब्जेक्ट वही है। नाउ विनर बनने से पहले मैं एक सवाल जरूर करूंगा, क्या आप जो हमारा सब्जेक्ट है आई एम विनर उससे पहले से फैमिलियर हो या आज और अभी फैमिलियर हो रहे हो? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप पहले से फैमिलियर हो तो समथिंग न्यू विल बी देयर, ओपन योर माइंड टू रिसीव ऑल्सो। If you are not familiar, observe the each and every point. Subject, winner, सफलता। तो दोस्तों एक सवाल आपके लिए, आप में से कौन सा आदमी है जो सफल होना चाहता है? Please raise your hand. आप में से कौन सा आदमी है जो सफल होना चाहता है? Please raise your hand. Thank you. ये तो पूरा का पूरा पूरा हॉल जो है रेजिंग कर रहा है, ये अजीब काफी स्टेंस। चलो कोई बात नहीं, मेरा दूसरा सवाल, आप में से कौन सा ऐसा आदमी है जो सफल है? एक ही आदमी? अरे ये तो बहुत अजीब हो गया, मतलब आप में से एक ही आदमी को एहसास हो रहा है कि मैं सफल हूं, बाकी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सफल हूं या नहीं। एनीवे, मैं चाहूंगा आप में से कोई एक बंदा मेरे पास आ जाओ, ओनली वन, प्लीज कम, प्लीज एक्सेप्ट द चैलेंज। वह इंसान जो ये फील कर रहा है कि मैं सक्सेस नहीं हूं, मैं उन्हीं को कॉल कर रहा हूं। वन बॉय एंड वन गर्ल, प्लीज कम ऑन द डैस, प्लीज कम। आप अगर सफल होना चाहते हैं तो प्लीज कम ऑन द डैस। आप में से मुझे एक बॉय और एक गर्ल चाहिए जिसको मैं इंटरेक्ट करा रहा हूं, प्लीज कम। सो व्हाट इज योर नेम? कैच द माइक। माय नेम इज सूरज सिंह। व्हाट इज योर नेम? My name is Vijaya Das. So, मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं? आपने हाथ उठाया था, ओके। और मैंने फिर आपसे भी पूछा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सक्सेस होना चाहते हैं? आपने हाथ उठाया था? सर मैंने हाथ नहीं उठाया था। अच्छा, आप सक्सेस होना नहीं चाहते हैं? मैं होना चाहता हूं। बट हाथ नहीं उठाया था, ये ऐसा क्या हुआ, क्या रीजन हुआ कि सारे लोगों ने, अगर डिजायर था तो लोगों ने हाथ उठाया, आपने क्यों नहीं उठाया? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप सक्सेस होना चाहते हो? मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सक्सेस हैं, तो मैंने देखा एक ही आदमी थे, आप उसमें से तो वो तो नहीं थे ना आप? ओके, तो दोनों आदमी रेडी हो सक्सेस होने के लिए? ओके ना, ये दो आदमी मेरे सामने हैं, दोनों सक्सेस होना चाहते हैं। पहले इन्होंने बोला कि मैं सक्सेस होना चाहता हूं, मेरे दूसरे क्वेश्चन पे इन्होंने हाथ नहीं उठाया। मेरा दूसरा क्वेश्चन बड़ा साफ था, क्या आप सक्सेस हो? इन्होंने बोला नहीं। Now, पहला एंड पहला फॉर्मूला ये कि सक्सेस होता क्या है, पहले ये तो समझ में आए मैं हूं या नहीं, ये तो बाद की बात है, पहले यही पता नहीं है कि मैं सक्सेस होता क्या है, तो मैं उसको क्लियर करता हूं। आप दोनों मेरे को ये बताना कि आप मेरे डेफिनेशन से सहमत हो या नहीं। सक्सेस, आपने जो भी गोल बनाया, जस्ट नॉर्मल लैंग्वेज, आपने जो भी गोल बनाया उसे आप अचीव कर लेते हो तो आप सक्सेस हो जाते हो कि अनसक्सेस हो जाते हो? जोर से बोलिए, सक्सेस करते हैं, मतलब आप जो गोल बनाते हो उसे अचीव करते हो तो आप सक्सेस कहलाते हो या अनसक्सेस? सक्सेस कहलाते हैं। आर यू एग्री विद मी?
इनका कहना है कि जो भी गोल बनाया जाए अगर उसे अचीव कर लिया जाए तो मैं सक्सेस हूं। क्या आप सहमत हैं इनके डिफिनेशन से? प्लीज स्पीक लाउडली। ओके, देखते हैं कि ये जो बोल रहे हैं इस पे खर्रा उतर रहे हैं या नहीं। मैं एक तरफ सक्सेस का बॉक्स डालता हूं, दूसरी तरफ अनसक्सेस का बॉक्स डालता हूं। एम्प्टी बॉक्स है, एक तरफ सफलता का है दूसरी तरफ असफलता का है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा इनसे, इनको उस बॉक्स में भरने का है। अगर ये सक्सेस के बॉक्स में भरेंगे तो प्लस वन काउंट करेंगे और अनसक्सेस के बॉक्स में अगर भरेंगे तो माइनस वन काउंट करेंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट? नहीं समझ में आया? आप समझ गए? आप नहीं समझे? मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको लगता है कि यस इसमें मैं सक्सेस हूं तो आप प्लस वन डाल के इसमें डाल दो, अगर लगेगा नहीं मैं अनसक्सेस हूं तो माइनस वन में डालना। क्लियर ना? सो आप किस क्लास में हो? सक्सेस क्लास में। किस क्लास में हो? किस क्लास में हो? या एक माइक और दीजिए। हाँ बोलिए, किस क्लास में हो? जस्ट मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। ओके, और आप किस क्लास में हो? मेरा एचएस फर्स्ट ईयर में हूँ। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं आप दोनों से। ओके रेडी ना? रेडी सर। आपने जब थर्ड क्लास में था तो आपने गोल क्या बनाया था थर्ड क्लास में? प्लीज, थर्ड क्लास में तो थर्ड पास करने का गोल बनाया था। अच्छा, पास करके कि फेल कर गए? पास कर गए। पास करके तो सफल हो गए कि असफल हो गए? सफल। और सफल हो गए तो सक्सेस की अनसक्सेस? सक्सेस। तो किधर डाला जाए, इधर या इधर? प्लस। अच्छा, तो प्लस वन इन्होंने डाल दिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई टेलिंग टू यू फ्रेंड्स। थर्ड क्लास में इन्होंने एक गोल बनाया। अच्छा, थर्ड क्लास के जब आपने गोल बनाया तो पढ़ाई किया था या नहीं किया था? किया था। और मेहनत सुबह से शाम तक किया या जस्ट यूं ही घूमता रह गया? टेल मी, पढ़ाई किया था ढंग से? हाँ। तभी तो रिजल्ट आया। आपने गोल बनाया तो वो गोल समय पे अचीव किया या नहीं किया? क्या? किया। दैट्स राइट। मैंने क्या बोला? सक्सेस इट मींस दैट व्हेन यू आर गोइंग टू मेक द गोल टू अचीव ऑन द टाइम, दैट इज योर गोल, एंड व्हेन यू आर अचीविंग इट दैट इज योर सक्सेस। इन्होंने तीसरी क्लास में, थर्ड क्लास में एक गोल बनाया कि मुझे तीसरी क्लास को पास करने का है, और दिन भर रात भर पढ़ा, और दिन भर रात भर पढ़ने के बाद ये पास किए, तो क्या ये सक्सेस थे कि अनसक्सेस थे? सक्सेस थे, प्लस वाइन। दूसरा क्वेश्चन, आपको साइकिल चलाने आता है? अच्छा, ये साइकिल चलाए तो आप एक दिन में सीख गए थे क्या? नहीं। अच्छा, साइकिल चलाना आपका गोल था या नहीं था? गोल भी था। आप प्लीज लाउडली बोलिए, मुझे लग रहा है मैं दोनों से एक ही क्वेश्चन करूंगा, अलग अलग क्वेश्चन नहीं करूंगा। और लाउड स्पीक कीजिए, थोड़ा साउंड जाए उधर, ठीक है? तो आपने साइकिल चलाना गोल बनाया। हाँ, तो आपको साइकिल चलाने आया या नहीं आया? आया। ओह वेरी गुड। अच्छा, आपको टॉकिंग करने आता है, हिंदी में बातचीत करने आता है? आता है। अच्छा, आपने कोई देखा क्या कि कोई भी आदमी जन्म लेता है तो स्टार्टिंग बोलना शुरू कर देता है? नहीं नहीं, मतलब लर्निंग प्रोसेस में आपने गोल बनाया कि मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, और आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? बोल रहे हो। तो सक्सेस हो या अनसक्सेस हो? सक्सेस। आप कंप्यूटर जानते हो या नहीं जानते हो? जानता हूँ। अच्छा, कंप्यूटर जो सीखने से पहले आपने गोल बनाया या नहीं कि मेरे को कंप्यूटर सीखने का है? बनाया मैंने। अच्छा, गोल जब बनाया तो सीखा या नहीं सीखा? मैंने सीखा। सीखा तो सक्सेस या अनसक्सेस? सक्सेस। वंडरफुल। अगर मैं इस तरह के क्वेश्चन अगर करना शुरू कर दूं तो कौन सा बॉक्स भरते जा रहा है? सक्सेस। यार, इतना सारा सक्सेस का टिप्स तुम्हारे पास है, इतना सारा सक्सेस तुम कर चुके हो, इसके बावजूद भी तुम एक बात बोल रहे हो कि मैं सक्सेस नहीं हूं। इतना छोटी छोटी गोल्स को तुम अचीव करते आ रहे हो बच्चों से, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, सो मेनी गेम्स, टेलीफोन पे बात करना, मोबाइल सीखना, ये सारा गोल छोटी छोटी बना बना के तुम सीखते हुए बड़े हुए हो। इतनी सारी क्वालिटीज, इतना सारा टैलेंट्स, इतना सारा अचीवमेंट्स होने के बावजूद भी आपसे मैंने क्वेश्चन किया कि क्या आप सक्सेस हो या नहीं, तो आप बोलते हो नहीं सर मैं सक्सेस नहीं हूं। आप बताओ सक्सेस हो या नहीं हो? अरे वाह, आप सर वो तो छोटी छोटी सक्सेस है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा ये सक्सेस बोल रहे हैं इनको। आइए, बड़े आदमी से बड़ी बातें करते हैं ना। अगर आपको लगता है कि मैं छोटा आदमी हूं, मेरी छोटी सी अचीवमेंट से, तो बड़े आदमी से बात करते हैं। अनिल अंबानी से ऐसे ही एक रिपोर्टर ने पूछ दिया कि भाई साहब आपका गुजरात का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, आप इसमें अभी सक्सेस हो या नहीं? तो बोला नहीं, अभी तो नहीं हूं। हाँ, क्या बोल रहे हैं साहब? फिर से क्वेश्चन, अनिल अंबानी से क्वेश्चन किया जा रहा है कि साहब आप अपने गुजरात वाले प्रोजेक्ट में सक्सेस हो या नहीं? तो बोलते हैं नहीं, अभी मैं नहीं हूं। इतना बड़ा आदमी जब सक्सेस की बात करते तो बोलते नहीं मैं अभी सक्सेस नहीं हूं। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट डेफिनेशंस को कैरी ऑन करो अपने माइंड के अंदर। डेफिनेशंस था कि जब आप गोल बनाते हो
और उसे समय पर अचीव करते हो तो सक्सेस कहलाते हो। अनिल अंबानी जो प्रोजेक्ट बनाए हैं अभी उसे पूरा नहीं किए हैं तो वो कैसे कह सकते हैं कि हम सफल हैं? जब इतना बड़ा आदमी अपने प्रोजेक्ट को लेकर बोल सकता है कि मैं सफल नहीं हूं, और आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या अनिल अंबानी सक्सेस है या नहीं, तो आपके माइंड में तो एक ही फ्रेम आता है, यस ही इज द सक्सेसफुल पर्सनालिटी। दिमाग के अंदर बड़ा इजिली आ जाता है सक्सेसफुल पर्सनालिटी। व्हाई व्हाई इज इट सो? डिफरेंस है, डिफरेंस तो है, जरूर है। अनिल अंबानी यूं ही ऑन द टॉप पे नहीं पहुंच गया, वो भी छोटे छोटे अचीवमेंट्स एंड छोटे छोटे गोल्स बनाकर, उसको सीढ़ियां बनाकर जाकर उस जगह पे पहुंचा था जो आप बना रहे हो। सो यू आर इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द सिस्टम एंड ऑब्वियसली वॉट एवर यू आर मेकिंग इन योर माइंड द गोल यू विल अचीव इट। ओके सो प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो होता क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू, होता क्या है, प्रॉब्लम्स क्या होता है? मैंने पूछा कि आप में से कौन आदमी सक्सेस है, तो एक ही आदमी उठाया, बाकी लोगों ने नहीं उठाया। होता क्या है कि आप तो सक्सेस हो, आप ये बात जानते हो, यू नो दिस कि आई हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव डन अ वंडरफुल वर्क ऑल्सो एट माई हाउस, इन साइड ऑफ द हाउस, आउटसाइड ऑफ द हाउस, आपने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा अचीवमेंट्स लिया, आप ये बात जानते हो पर मानते नहीं हो। हर आदमी जानता है कि भगवान हर जगह है, जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो फिर मानते हैं या नहीं मानते हैं? जानना जानना है और मानना मानना है। हम जानते जरूर हैं बट एस मानते नहीं उस बात को। आप में क्वालिटीज है बट यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट एक्सेप्ट इट फ्रॉम योर हार्ट, आप दिल से इस बात को मानते नहीं हो। लेट मी टेल सम एग्जाम्पल्स मोर बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद दिस। एक लड़की को मैंने बुलाया, बोला यार एक बात बता कि आप में क्वालिटीज है या डिसक्वालिटीज, यू टेल मी। बंदा आता है बोलता है सर इतने लोगों के बीच में डिसक्वालिटीज पूछ रहे हो, आपको मालूम है मैं यहां का डिसक्वालिटीज बोल देगा तो क्या होगा? हम कि क्या होगा सर, मैं इस कैंपस के अगर बाहर जाऊंगा तो मेरा वाट लग जाएगा, सब मेरे को लायर ही बोलेंगे, सब मेरे को डिसोबीडियंट ही बोल, जो भी मैं बोलूंगा सारा मेरा इमिटेटिंग शुरू कर देंगे। अच्छा तो तुम इसलिए डिसक्वालिटी को नहीं बताना चाहते हो या तुम्हारे पास है या नहीं है डिसक्वालिटी ये बताओ? बोलता है सर लंबा लिस्ट है बट बताऊंगा नहीं, डिसक्वालिटीज का लंबा लिस्ट है पर बताऊंगा नहीं। अच्छा ठीक है चलो हटाओ यार, ये बता तेरे में क्वालिटी क्या है, क्वालिटी तो बता सकते हो? सर क्वालिटी तो याद ही नहीं है मेरे को। सर क्वालिटी मेरे में कौन सा है, मेरे को तो यह समझ में आ ही नहीं रहा है। डिसक्वालिटीज समझ में आ रहा है, क्वालिटीज समझ में नहीं आ रहा है। डिसक्वालिटीज है बताना नहीं चाह रहा है, क्वालिटीज नहीं है बताएगा कहां से? ऐसा नहीं है, क्वालिटीज है, वो जानता है पर मानता नहीं है इसलिए वो बताता नहीं है। जिस दिन वो जान जाए और मानना शुरू कर दे उस दिन क्वालिटीज बोलना शुरू कर देगा। तो मैंने कहा यार छोड़ा चल अपनी क्वालिटीज के बारे में बात कर। तो बोला सर मेरे को समझ नहीं आता ना। तो मैंने पूछा अच्छा ये बता तू सुबह में उठता है कि शाम में उठता है? बोला सर सुबह में। अच्छा ये क्वालिटी है कि डिसक्वालिटी है? सर ये तो क्वालिटी ही होगा। अच्छा कोई ओकेजन पे आप अपने मम्मी डैडी को रिस्पेक्ट देने के लिए सर झुकाते हो? सर झुकाते हैं। अच्छा ये क्वालिटी में आता है कि डिसक्वालिटी में? सर ये तो क्वालिटी ही होगा। अच्छा वेरी गुड। अच्छा क्लास में जब एंट्री करते हो तो मैं कमी सर याद करते हो या भूल जाते हो एंट्री मारते हो? सर वो कैसे भूल सकता हूं, अंदर डांट खाना है मार खाना है वो तो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, गेट से एंट्री करने से पहले मेरे को मैनर से वो, ये क्वालिटी है कि डिसक्वालिटी? सर ये तो क्वालिटी है। मैंने 50 क्वेश्चंस पूछे और 50 क्वेश्चंस का जवाब यही बताया कि यस आई हैव ऑल द क्वालिटीज। और फिर मैंने पूछा अब मेरे को बता कि तू आपके पास क्वालिटी है? यस सर। कितने क्वालिटीज हैं? सर मैं ओबीडियंट हूं, सर मैं ऑनेस्ट हूं, सर मैं फेथफुल हूं, सर मैं पंचुअल हूं, सर मैं बड़ों की बात मानता हूं, सर मैं, अरे बस 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 काफी हो गए आपके पास ये क्वालिटी? अभी तुरंत स्टेज पे आ गए क्या? ये क्वालिटी तो पहले से था, प्रॉब्लम यह था कि एहसास कराने वाला कोई नहीं था, प्रॉब्लम यह था कि आपको रियलाइज कराने वाला कोई नहीं था, और जिस दिन रियलाइज करा दिया उस दिन आप क्वालिटी फुल इंसान बन गए। हर आदमी में टैलेंट्स होता है और हर आदमी हीरो होता है, हर आदमी में टैलेंट्स है और हर आदमी हीरो है, बट उसको क्या चाहिए? उसको एक डायरेक्टर चाहिए जो प्रॉपर डायरेक्शंस दे सके और वो हीरो टॉप का हो जाएगा। अगर डायरेक्टर चाहे तो फिल्म को फ्लॉप भी करा सकता है
और अगर चाहे तो फिल्म को हिट भी करा सकता है, बट द क्वालिटीज इज नॉट इनसाइड ऑफ द डायरेक्टर। आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारा बैंकिंग स्कूल है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, हम लोगों ने काफी लड़कों को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में भेजा। आपको केवल इतना पता होगा कि डाइट केवल बैंकिंग सेक्शन में काम कर रहा है यहां पे, बट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में काम करता है। तो हम लोग जब ट्रेनिंग दे रहे थे तो उसमें कई लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग लेकर काफी अच्छे पोस्ट पे गए। तो मेरे को एक इंसान आके बोला कि सर मैं आपसे एक बात पूछूं। मैंने बोला यस सर। आप लोग ट्रेनिंग देते हो वो बच्चा एकदम टॉप लेवल पे चला जाता है, जीएम बन जाता है कंपनी का। हमको यस सर। आप क्यों नहीं बनते हो? मेरे को दिमाग झटका लगा। हमको क्या बोल रहा है सर? आप यूपीएससी पढ़ाते हो और लड़का यूपीएससी में सिलेक्टेड हो जाता है, आईएएस बन जाता है, सर आप क्यों नहीं बनते हो? मैंने कहा क्या बात कर रहा है यार, ऐसा क्वेश्चन तो किसी ने पूछा नहीं। हाँ सर आपके पास सारा टैलेंट है, सारा स्टेमिना है, सारा सिस्टम है, तो आप बन क्यों नहीं जाते? इट वॉज अ रियली फैंटास्टिक क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। टीचर जो पढ़ा रहा है वो बन क्यों नहीं जा रहा है? अगर मैं डांस मास्टर हूं तो पहले मेरे को परफॉर्मेंस देना चाहिए था बच्चे को। तो मैंने उसको समझाया कि अच्छा ये एक चीज बता यार, सुभाष गए जब स्टेज पर आकर एज ए हीरो एक्टिंग करेगा और डांस करेगा तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? बोला नहीं सर वो नहीं अच्छा लगेगा। हम कि हीरो का काम है एक्टिंग करना और डांस करना, डायरेक्टर का काम बोले डायरेक्शन देना है, उसको काम नहीं है एक्टिंग करना, उसका बैक साइड उसको रिहर्सल कराने का काम है। सो वी आर द मोटिवेट।